This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। पंजाब किंग्स आईपीएल 2021 में लगातार दूसरा मैच हार गई। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउ दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउ दैट? हाउ दैट? दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। वानखेड़े के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने बनाए 195 रन। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 10 गेंदे बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली के लिए शिखर धवन ने सिर्फ 49 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। मैच के बाद पंजाब के कप्तान राहुल ने कहा कि शायद उनकी टीम ने 10 से 15 रन कम बनाए। साथ ही उन्होंने शिखर धवन की पारी की भी तारीफ की। लेकिन मजे की बात यह है कि पंजाब ने ये मैच काफ़ी हद तक राहुल के चलते ही गवाया। चलिए विस्तार से समझते हैं कि कैसे शिखर धवन से पहले उनके पार्टनर ने, टीम इंडिया के पार्टनर ने, पंजाब का नुकसान कर दिया था। टॉस हारकर पंजाब पहले बैटिंग करने आई। पहले ओवर में 5 रन बने, लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि पहले ही ओवर में केएल राहुल ने 4 डॉट गेंदे खेल दी। अगले ओवर यानी कि दूसरे ओवर में उन्होंने फिर से 2 डॉट गेंदे खेली। पारी के चौथे ओवर में राहुल बुरी तरह बीट हुए एक और डॉट बॉल। पारी के 5वें ओवर में राहुल ने फिर से 2 डॉट बॉल खेली। पारी के 6ठे ओवर में राहुल ने खेली 3 डॉट बॉल, यानी 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होते होते केएल राहुल 12 डॉट बॉल खेल चुके थे। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब ने बनाए थे 59 रन। इसमें मयंक अग्रवाल के 13 गेंदों पर 30 रन शामिल थे। यानी मयंक जितनी गेंदों पर 30 रन बना चुके थे, उतनी गेंदें तो राहुल ने करीब करीब डॉट ही खेल दी पावर प्ले के अंदर। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल जब आउट हुए तो उन्होंने 51 गेंदों पर 61 रन बनाए थे। इसमें 20 डॉट बॉल शामिल थी। यानी 8.5 ओवर खेलकर केएल राहुल ने 61 रन बनाए। इसमें 2 जीवनदान भी शामिल थे। यानी जिस पिच पर अग्रवाल ने राहुल के ही साथ लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वहीं केएल राहुल 120 के स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बना सके। ऐसा भी नहीं है कि राहुल के पास तेजी से रन बनाने की क्षमता नहीं है। इससे पहले कई बार वो तेजी से रन बना चुके हैं, 150 या उससे ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। राहुल की पारी से अगर ये डॉट बॉल्स हटा दी जाएं तो उन्होंने 31 गेंदों पर 61 रन बनाए, यानी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लेकिन समस्या तो फिर भी वही है। ऐसे कमाल के बैटिंग ट्रैक पर अगर आपका ओपनर 119 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, 20 डॉट बॉल्स खेल रहा है, तो मैच के बाद तो आपको कहना पड़ेगा कि यार कुछ रन कम रह गए। लेकिन आपका फ़ायदा कम नहीं होगा अगर आप डाउनलोड करते हैं हाउस दैट ऐप। यहाँ पर आप युवराज सिंह जैसे लेजेंड की टीम को चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से हाउस दैट ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलता है 3000 का वेलकम बोनस, साथ ही 5 गुना तक जीतने का मौका। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे हैं एक और साथी राशिद, और मेरा नाम है अभिषेक। आईपीएल की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।